हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय हेल्दी चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी तरीके से रसमलाई, जो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत इजी तरीका है रसमलाई बनाने का। तो चलिए देखते हैं घर में ही हम हेल्दी तरीके से रसमलाई कैसे बना सकते हैं। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम राबड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 1 लीटर दूध लिए हैं। कोई भी दूध से आप राबड़ी बना सकते हैं, क्योंकि हमें हेल्दी रसमलाई बनाना है तो हम यहाँ पे फुल फैट दूध का यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये लो फैट का दूध है। और इन्हें हम उबलने देंगे और साइड से हम इसके मलाई को छुड़ाते जाएंगे इस तरह से। और इन्हें हमें रिड्यूस करके हाफ़ कर लेना है, तो एकदम लो फ्लेम करके इसे हम छोड़ देंगे ताकि ये दूध सूखता रहे। तब तक हम रसमलाई के लिए रसगुल्ला का तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 1 लीटर दूध लिए हैं। कोई भी दूध से आप रसगुल्ला बना सकते हैं, लेकिन गाय का दूध रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो दूध में हम उबाल आने देते हैं। जैसे ही एक उबाल दूध में आएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए एक उबाल आ गया है, और इसके टेम्परेचर को हम थोड़ा सा लो करेंगे, उसके बाद हम दूध को फाड़ेंगे। तो हम टेम्परेचर को थोड़ा सा लो कर लेते हैं। और दूध फाड़ने के लिए या तो आप नींबू का रस का यूज कीजिए या फिर आप विनेगर का यूज कीजिए, लेकिन विनेगर से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होता है। तो कभी कभी होता है क्या है, नींबू से दूध फटता ही नहीं और स्मेल करने लगता है। तो हम यहाँ पे विनेगर का यूज कर रहे हैं। तो जितना हम विनेगर लेंगे उतना ही हम इसमें पानी डाल रहे हैं। तो ज़रूरत के अनुसार विनेगर लेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून आपको लग जाएगा 1 लीटर दूध के लिए, और उतना ही उसमें पानी मिला लीजिए। और ये देखिए दूध फटना शुरू हो गया है और दूध फट भी गया है। तो अब हम इसे छान लेते हैं। तो हम दूध को छानने के लिए यहाँ पे हम एक बर्तन लगाए हैं, उसके ऊपर एक छन्नी लगा ली, और अब हम फटे हुए छेने को इसमें हम छान लेंगे और ऊपर से हम एकदम पानी इसमें डालेंगे, अच्छी तरह से धो लेंगे हम, ताकि जो विनेगर का स्मेल होता है वो छेना में नहीं है। तो अच्छी तरह से इस स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अच्छी तरह से छेने को धो लीजिएगा और निचोड़ निचोड़ कर इसके पानी को हमें निकाल लेना है। और अब हम इस छेने को आधा घंटा रेस्ट पे इस तरह से रख देंगे। भारी बर्तन या फिर मूसल इस तरह से रख कर आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसका रसगुल्ला बनाएंगे। तब तक हम एक बार दूध को भी चेक कर लेते हैं। और ये देखिए दूध सूख कर करीब आधा हो चुका है, और साइड से हम इस तरह से स्क्रैच करते गए थे। हर 2-2 मिनट पर इधर हम चलाते भी गए हैं इधर। और अब हम इसमें डालेंगे 4 हरी इलायची। इस तरह से हम क्रश कर लिए हैं इलायची को। इलायची से बहुत अच्छा टेस्ट आता है रसमलाई में। तो सबसे पहले हम इलायची को डाल देंगे, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कप खजूर का गुड़। अगर आपके पास खजूर का गुड़ नहीं हो तो आप जो नॉर्मल गुड़ आता है उसको सबसे लास्ट में डालिएगा, अभी नहीं डालना है। तो यहाँ पे खजूर का गुड़ है, इसीलिए हम इसे उबलते हुए दूध में डाल दिए हैं। अगर आप नॉर्मल गुड़ डालिएगा तो गैस बंद कर कर ही उस गुड़ का यूज कीजिएगा। और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और ये हमारा तैयार हो गया है राबड़ी रसमलाई के लिए। तो इन्हें हम अब साइड रखते हैं। तो चलिए अब हम रसगुल्ला बनाकर तैयार करते हैं। आधा घंटा हो गया है, तो आधा घंटा के बाद इन्हें हम एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और रसमलाई के लिए हमें चपटा रसगुल्ला बनाना है। इस तरह से निकाल लेंगे। अगर आपका ये जो छेना है थोड़ा भींगा भींगा लगे तो आप इसे कपड़ा से अच्छी तरह से पहले पोंछ लीजिएगा, उसके बाद इसका रसगुल्ला बनाइएगा। और इस तरह से हम मैश करेंगे इसे। 2 से 3 मिनट आप इस तरह से मैसेंगे तो एकदम चिकना हो जाएगा। और ये देखिए हमने 2-4 मिनट इसे अच्छी तरह से मैश कर तैयार कर लिए हैं। और अब हम इसे डिवाइड करेंगे पोर्शन में। तो इस तरह से आप छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर लें, क्योंकि ये दुगना हो जाता है फूल कर, जब ये पकेगा तो ये अपने सेप से दुगना हो जाता है। तो करीब आपका 10 रसमलाई इस तरह से बन जाएगा। और इस तरह से क्रैक नहीं होना चाहिए, जो हम इसका पेड़ा बनाएंगे उसमें क्रैक नहीं आना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। अगर आपका क्रैक आ रहा है तो फिर से आप इसे 1-2 मिनट मसल लीजिएगा, उसके बाद इसका इस तरह से पेड़ा तैयार कीजिएगा। और इसी तरह से हम सारे पेड़े को बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए,
तो चलिए अब हम इन्हें पकाते हैं। पकाने के लिए हम 4 से 5 कप पानी एक बर्तन में लेंगे और फ्लेम को एकदम हाई रख देंगे और इन्हें हम एक उबाल आने देंगे, तब हम इन सारे रसगुल्ले को इसमें डालेंगे। और इसमें हमें कोई भी चीनी या गुड़ इसमें नहीं डालना है। और ये देखिए पानी उबलने लगा है और अब हम जो चपटा रसगुल्ला बना के रखे हुए हैं इस तरह से पेड़ा, वो हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और इन्हें हम हाई फ्लेम पे करीब 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। तो इन्हें हमें कवर करके पकाना है, तो अब इन्हें हम ढक देते हैं और ये अपने शेप से दुगना हो जाएगा। और ये देखिए हमने 12 मिनट इन्हें एकदम हाई फ्लेम पे कुक किए हैं और ये देखिए अपने साइज़ से दुगना हो चुका है। यहाँ पे हम आप लोग के लिए एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपका कभी भी जो आप रसगुल्ला बनाएंगे फूलने के बाद छोटा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम एक बोल में ठंडा पानी और उसमें कुछ आइस क्यूब डाल लिए हैं। इस ट्रिक को ज़रूर अपनाइएगा, आपका बहुत ही अच्छा रसगुल्ला बनेगा। और अब हम इस बर्फ़ वाले पानी में सारे रसगुल्ले को ट्रांसफ़र कर लेंगे। सावधानी से ट्रांसफ़र करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, टूटने का डर रहा है। तो एक एक करके हम सारे रसगुल्ले को हम इस ठंडे पानी में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस ठंडे पानी में हम करीब 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। और ये देखिए हमने करीब 5 मिनट ठंडे पानी में छोड़ दिए थे। ये देखिए इसका साइज़ कभी भी छोटा नहीं होगा। इस ट्रिक को आप ज़रूर अपनाइएगा, या तो रसगुल्ला बनाइएगा उस टाइम या फिर रसमलाई बनाइएगा, तब भी ये ट्रिक आपका काम आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस ठंडे पानी में से निचोड़ निचोड़ कर सारे रसगुल्ले को अलग कर लेंगे इस तरह से। और बस हमारा यह हेल्दी रसमलाई तैयार हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, जो हम राबड़ी बना के रखे हुए हैं उसमें हमें इस रसगुल्ले को डाल देना है। ये देखिए कितना अच्छा एकदम गाढ़ा हो गया है राबड़ी हमारा, ठंडा हो जाने के बाद और भी गाढ़ा हो जाता है इस तरह से। और अब हम ये चपटे वाले रसगुल्ले को इसमें हम डाल देंगे। तो है ना बहुत ही आसान रसमलाई घर में बनाना। तो इस ट्रिक के साथ आप ज़रूर रस बनाई बनाइएगा, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनता है। आपके जिन्हें आप खिलाइएगा भी तो ज़रूर पूछेंगे इसे कैसे बनाए हैं आप। तो घर में भी आप बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी रसमलाई बना सकते हैं। और अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लेना है और अब हम थोड़ा सा इसमें कटे हुए बादाम से गार्निश कर देंगे। ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा हो तो डालें, नहीं तो इसके बिना भी आप रसमलाई खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और रसमलाई बनाने के बाद इसे हम 2 घंटा के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे, उसके बाद इसे आप सर्व कीजिएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी लगेगा आपका रसमलाई, और इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि मत पूछिए। और अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप लोग को मिले। ये देखिए कितना अच्छा स्पॉन्जी रसमलाई हम घर में बना सकते हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।